गारंटी है। एक गारंटी शब्द बार बार काम लिया गया तो गारंटी की धज्जियाँ उड़ गई है। पहले जो बेचारे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे जिन्होंने शानदार काम किया स्कीमों को लेके, घर घर पहुँचे स्कीमों को मॉनिटरिंग करी, गाइड किया लोगों को जो लाभ नहीं ले पा रहे थे उनको गाइड भी किया, अच्छा काम कर रहे थे। अगर आपको राजीव गांधी के नाम से अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लिख देते, उस पर नाम बदल देते, पर उन बच्चों को, छात्रों को या युवाओं को निकालते नहीं, ज़्यादा बेहतर रहता। 5,000 नौजवान कहाँ जाएंगे जो अच्छा काम कर रहे थे। इस उम्मीद के अंदर भी हम आज लगे हैं तो कल कभी न कभी हमारा नंबर आएगा, अनुभव बढ़ेगा तो हम कभी न कभी एडजस्ट भी हो जाएंगे। यदि हमने संविदा कर्मियों को नियम बना करके हमने उनको तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को सबको हम लोग पक्का करेंगे, बड़ा निर्णय है। हमने जो ठेका प्रथम लगे हुए थे अस्पतालों में, जो फरार हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या और जगह लाखों लोग ठेका प्रथम होते, हमने कहा ठेका प्रथा ख़त्म और रेस्को बनी थी कंपनी भूतपूर्व सैनिकों की, उसी ढंग से कंपनी बना करके इन ठेका प्रथा वालों को हम लोग सरकारी कंपनी के माध्यम लगाएंगे, अच्छी सैलरी मिल सके उनको। ये तमाम हमने बड़े बड़े कदम उठाए थे। अब अगर ये शुरुआत इन्होंने कर दी है कल राजीव गांधी युवा मित्रों को निकालने की, तो इसका मतलब कल हमारे जो संविदा कर्मियों के लिए फैसले किए हैं उसका क्या होगा, जो ठेका प्रथम लगे हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा। कल सब लोग चिंतित हो गए, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि आप स्पष्टीकरण करो कि आपकी मंशा क्या है हमारी योजनाओं के बारे में। तो कल स्पष्टीकरण किया भी था तो वो स्पष्टीकरण पूरा नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई पूछते रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। नई नई गवर्नमेंट बनी है, अभी तो इनका मंत्रिमंडल नहीं बना है, तो बार बार हमारा पूछने में उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि वो अपना काम संभाले, हम जानते हैं इस बात को। परंतु जिस रूप में ये जो कल फैसले कर लिए आनंद फानंद में, वो भी उचित नहीं कह सकते। चिरंजीव, योजना को लेकर भी लोगों में भी असमंजस है, हालांकि आपने जब ट्वीट किया उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जो माहौल है, जो कहा जा रहा है, आपने कहा था कि इस तरह की चर्चा है कि इस योजना को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसको बंद ना कर दिया जाए। देखिए, चिरंजीव योजना हो चाहे RGSS हो चाहे कोई भी हो, योजना इतनी कामयाबी लेके आई है, पूरे देश में हमारी योजना की चर्चा है, पूरे देश के अंदर उसका लाभ भजनलाल जी को उठाना चाहिए कि आपको यहाँ की सरकार ने ऐसी ऐसी योजना दी है गिफ्ट के रूप में, क्यों गिफ्ट हो गए एक प्रकार से, सरकार उनकी बन गई, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए बजाय कि उनको बंद करने के, रिव्यू करने के। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सारे फैसले हमारे हैं, करीब 180 फैसले होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। वो तमाम फैसले राजस्थान के पब्लिक के इंटरेस्ट के फैसले हैं, इनको रिसर्च करवानी चाहिए और मैं समझता हूँ उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, मैं बार बार बोलता था, ऊपर से मोदी जी ने कह दिया ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी निभाओ। अभी जो रैली हो रही है मैं जा रहा हूँ नागपुर, उसका नाम है है तैयार हम के नाम से लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी 28 दिसंबर, जो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, उस वक्त पूरे देश के अंदर हर गांव में, हर ब्लॉक में, जिलों में, प्रदेश के अंदर सब जगह पर कोई कोई प्रोग्राम होंगे। नागपुर की बड़ी रैली का अपना एक महत्व है, एक मैसेज आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन जो बना है वो कामयाब हो और लोकतंत्र को बचाएं, जो संविधान की धज्जियां उड़ रही है उससे छुटकारा।